आपके साथ नम्रता शर्मा। मुंबई से एक बड़ी खबर कल सामने आई, जिस वक्त ये समझ में आया कि 34 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पार्टी वो लोग कर रहे थे, इसमें सुजैन खान का नाम सामने आया था, गुरु रंधावा का नाम सामने आया था और सुरेश रैना का नाम सामने आया था, बादशाह खान भी इसमें शामिल पाए गए थे। तो खबर ये आई थी कि इन स्टार समेत 34 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हालांकि बाद में उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया था। खबरें ये भी थी कि ये सभी लोग कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। दरअसल 22 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक महाराष्ट्र के कुछ शहरों में, स्पेशली मुंबई में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इन स्टार्स पर यह आरोप था कि ये कोरोना काल में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच अब सुजैन खान ने पूरे मामले पर सफाई दी है और इंस्टाग्राम पर बकायदा उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग ये कयास लगा रहे हैं कि गिरफ्तारियां हुई हैं, ये हम आपको बता दें कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, अफवाहें फैलाना बंद करें। कुछ प्रॉब्लम थी अधिकारियों के बीच में और जो क्लब के मालिक थे उनके बीच में, वो 2-3 घंटे तक चली। उस वजह से जो वहां पर मेहमान मौजूद थे उनको कुछ देर के लिए रुकवाया गया और पता नहीं मीडिया में खबर कहां से फैल गई कि हम सबको गिरफ्तार किया गया और बाद में हमें बेल मिली है। क्या लिखा है इंस्टाग्राम पर सुजैन खान ने अपने सफाई नामा में, ये मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। मैं बीती रात एक करीबी दोस्त के बर्थडे डिनर पर थी और हमें से कुछ लोग JW मैरियट सहार स्थित ड्रैगन फ्लाई क्लब में पहुंचे थे। 2:30 बजे अधिकारी क्लब में आए। जब क्लब मैनेजमेंट और अधिकारी चीजों को संभाल रहे थे तभी वहां पर मौजूद सभी मेहमानों को लगभग 3 घंटे तक का इंतजार करने के लिए कहा गया। हमें आखिरकार 6 बजे जाने भी दिया गया। इसीलिए मीडिया की तरफ से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां गिरफ्तारियां हुई हैं, जो कि पूरी तरह से गलत और गैर जिम्मेदाराना है। इसके अलावा फिर आगे सुजैन खान ने लिखा, मुझे समझ नहीं आया कि हमें इंतजार क्यों करवाया गया और अधिकारियों और क्लब के बीच क्या मामला था। ये भी सुजैन खान ने कहा कि मुझे नहीं पता। मैं इस बयान के साथ सारी बातें साफ कर रही हूँ। मैं मुंबई पुलिस का बहुत सम्मान करती हूँ कि वो हमें सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उनकी सदैव तत्परता के बिना हम मुंबईकर सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो जिस तरीके की ये समझ लीजिए कि इमेज खराब होने वाली बात थी इन स्टार्स के लिए, उस पर सुजैन खान ने अपना सफाईनामा दे दिया है। क्या कुछ कहना है आपका, क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।